नहीं भाई कौन मर गया था, इसके सीमा डाउनलोड नहीं हुआ, सीमा का भी पूरा एक खानदान है, सीमा एक जोट बोल रहे हैं, उनका बहन है, भाई है, उनकी पुप्पी है, चाची है, मामू है, सब बेटा ये बात कराची में है, तो सब जिंदा है, सीमा एक झूठ बोलेगा पूरी दुनिया तो झूठ ना नहीं बोलेगी ना। जी हाँ दोस्तों वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर। तो मेरे दोस्तों आप सब के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें जो है सीमा की बहन रीमा, उन्होंने जो है सीमा से फरियाद की है दोस्तों, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, क्योंकि जैसे कि सीमा ने ये बताया था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मतलब उन्होंने बताया था कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन दोस्तों आज रीमा ने बहुत ही खुलासा किया, यानी सीमा की बहन ने। तो मेरे दोस्तों वो वीडियो इसी वीडियो में दिखाएंगे, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। और रीमा ने जो है यानी रो रो कर सीमा को फरियाद की है, और हैदर को लेकर भी जो है बातें की है दोस्तों। बहुत ही प्यारी वीडियो है, एक बार देखें आप, और सीमा की और हैदर की जो सच्चाई है यानी कौन सच है वो आपके सामने होगा दोस्तों। तो उसके बाद जो है आपने जो है कमेंट जरूर करना है कि कौन सच है। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों देखिए रीमा ने सीमा को क्या मैसेज दिया। सीमा तुम क्यों बार बार झूठ बोल रही हो, क्यों दुनिया के आगे हमें रुसवा कर रही हो, कितनी कदर करते थे हम तुम्हारी, इसका सिला तुम अब इस तरह हमें दोगी। हैदर भाई तुम्हारी कितनी कदर करते थे, कितना कितना प्यार करते थे तुम्हारे से, बहुत अफसोस होता जब तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो न्यूज चैनल पे आके, उनकी बुराइयां करती हो, तो सिर्फ वो गए थे बच्चों के लिए। शायद तुम ये सारे झूठ इसलिए बोल कि हम तुम्हें ये पूरा यकीन है कि हम सोशल मीडिया पे आके तुम्हारे बारे में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह की नहीं की, मजबूरी में आके, सिर्फ मजबूरी में आके ये बात कर रही हूँ। तुमसे पहले भी प्यार करती थी, तुम मेरी बहन हो, मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता प्लीज ये सब काम छोड़ दो, मत करो ऐसा। हैदर भाई की जान छोड़ दो, उनके खिलाफ बातें करना छोड़ दो, उनके बच्चे उनको वापस कर दो। तुम तो चलेगी, तुम बातें भी कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमें इतनी अजियत सहनी पड़ रही है ना, बहुत ज्यादा, और तुम्हारी वजह से ना जाने कितनी कितनी बातें हमने सुनी है, सब कुछ खत्म हो गया, घर के हालात इतने खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा। वही हैदर भाई हैं जिनको तुम बुरा भला कह रही हो, उन्होंने हमारी मदद की है, वही हमारे घर का खर्च चला रहे हैं। काश कि तुम इन तमाम बातों को समझ लेते, तुम चाहती थी कि तुम ऐयाशियां करो, इस वजह से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बाहर गया था, उसको बाहर जाना पड़ा था, रात दिन मेहनत करते हैं वो, कभी तुमने उसके हाथ देखे, छाले पड़ जाते उसके हाथ पे। काश तुम ये सारी बातों को समझ सकते, दिल से सोच सकते, और बच्चे तो कम से कम उनके उनको वापस कर दो। हमें अंदाजा है इस चीज का कि तुम जिस दलदल में फंस गई हो, अब नहीं निकल सकती उस पर से, ना ही तुम वापस आ सकती हो, लेकिन हमारे बच्चे हमें वापस कर दो, और हो सके तो हमसे कॉन्टेक्ट करो। आगे खाला जी को भी तुमने पहचानने से इनकार कर दिया, ना जाने कितनी मुश्किलों से जाके कोई बंदा माना था कि ठीक है हम बात करवाएंगे, लेकिन हो सके तो जैसे तुम अब मैसेज सुनो हमारा, हमसे कॉन्टेक्ट करो हमारे पाकिस्तानी नंबर पे, हमसे क्योंकि तुम्हें नंबर याद है, तो जैसे ही मैसेज मेरा सुनोगे तो प्लीज मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सुना दोस्तों, ये सीमा की बहन रीमा है दोस्तों, और इन्होंने जो है ये वीडियो मजबूरी में बनानी पड़ी, क्योंकि दोस्तों सीमा काफी कुछ जो है न्यूज चैनल पर बोल रही है, तो इसलिए जो है ये रीमा जो है कैमरे के सामने आई दोस्तों। और आपने देखा उनके चेहरे से, आप जान सकते हैं कि वो कितनी परेशान है और कितना मजबूर है दोस्तों। और इन्होंने जो है सीमा से अपील की है कि आप जो है हैदर के बच्चे वापस कर दे, और वो आपके लिए यानी इतना मेहनत करता था और आपने ऐसा किया, बुरा किया, ये सब जो बातें जो है रीमा ने इस वीडियो में की। तो दोस्तों एक चैनल है अबूजर व्लॉगिंग, उनके चैनल पर दोस्तों ये वीडियो आई थी, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उनके चैनल का लिंक है,
है, यानी उस चैनल पर ये वीडियो जो है क्रिएट हुई थी। तो मेरे दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें, अपनी राय दे, और सीमा हैदर को लेकर आपकी राय क्या है। गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनको मिलने चाहिए दोस्तों, आप सब जो है आवाज उठाए। और सीमा कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे या कहीं भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चे उसे मिलने चाहिए। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर करें।